देख रहे एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। हमारे साथ मौजूद है अलका कामले जी, जो कि महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर अध्यक्ष है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी गठबंधन में देश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस यह दोनों पार्टियां राज्य के विधानसभा चुनाव में फिर से तैयारी में जुट चुकी है। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अलका कामले से, जो महिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की नागपुर शहर अध्यक्ष है। मैम, आपका स्वागत है। मैम, हम आपसे कुछ सवाल जानने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि नागपुर विधानसभा चुनाव के दौर में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहली बात तो आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने है। यहाँ पे लोग त्रस्त हो चुके हैं। सब अब आए सरकार की यहाँ पे मनमानी चल रही है, चाहे फिर वो पानी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो, यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रही है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, और जहाँ हो रही है वहाँ पे फिर बहुत पैमाने पर उठती जा रही है। और जो पढ़कर आगे गए हैं उसकी, उन लोगों की बेरोजगारी यह बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के नौजवान आज बेरोजगार बैठे हुए हैं और महिला यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को आज भी डर लग रहा है कि हम घर छोड़कर जाए तो कैसे जाए, बहुत से सवाल है। और ग्रामीण भाग में अगर हमारी पार्टी अगर जाती है तो माननीय शरद चंद्र पवार जी का आदेश है, सरकारी लोगों के साथ में उनकी पहले से भी बहुत अच्छी स्टडी रही है, उनके साथ में उन्होंने रहकर काम किया है, तो ग्रामीण में जो शेतकरी वर्ग है उनकी समस्या, जो शेतकरी वर्ग की आत्महत्या है, वो आत्महत्या रुकाने के लिए और सरकार से हमने कई सालों से हमारी मांग ऐसी रही कि शेतकरी लोगों का जो कर्जा है वो कर्जा उनका 7-12 पूरा होना चाहिए, ये हमारी मांग पहले से रही है। ये मुद्दे सब लेकर हम जनता के साथ जाएंगे। हमारा दूसरा सवाल ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, इस पर आपका या आपके पार्टी का क्या एजेंडा है? इसके लिए महीने ये पूरा महाराष्ट्र, ये भारत देश रूनी रहेगा, क्योंकि शरद चंद्र जी पवार ने महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा एक ये किया हुआ है, स्ट्रगल किया हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे हर स्त्री को इंडिपेंडेंट किया है। ये बोलूँगी बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में अगर कोई महिलाओं के ऊपर काम किया है तो हमारे राष्ट्रवादी के जनक माननीय शरद चंद्र जी पवार ने किया है। पहले आपने देखा होगा कि कोई अगर घर बेचना हो तो उसके घर का जो मुखिया यानी जो जेंट्स था, जो आदमी था, वो बेच सकता था, बट माननीय शरद चंद्र जी पवार ने उनके घर के ऊपर अगर जो नेम लगती है, नेम प्लेट लगती है, तो वहाँ जो उसका जो जेंट्स है, जो आदमी है, उसके नाम के साथ साथ में उस लेडीज जो घर की महिला हो उसका भी उसका नाम नमूद होना चाहिए। और हर किसी के घर में आज के जमाने में आप अगर महिलाओं का नाम देखते होंगे तो वो योगदान मेरे पार्टी का शरद चंद्र जी को आता है। हमारा तीसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है नागपुर शहर का विकास हो रहा है या केवल विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है? अब मैं किस बात पर आपको कहूँ कि नागपुर शहर में हो क्या रहा है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, चाहे मेट्रो हो, चाहे फिर यहाँ एजुकेशन हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे आप रोड आज बोलते होंगे, हर विषय में अगर बोलने जाओ तो यहाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए अपना वक्त जो है वो नहीं बोल पाएगा। मेट्रो की क्या ज़रूरत थी? आज मेट्रो का जो बजट जो है आज शून्य बजट है, खाली मेट्रो जा रही है, बट नागपुर का सौंदर्यीकरण करके या पार्टी का नाम होना चाहिए, लोग अपने तरफ आकर्षित होना चाहिए करके ये कहीं तो भी हमारे ऊपर भूर्दंड लाता गया है। आज रोड की अगर समस्या करते हो तो रोड का जो सीमेंटीकरण हो गया है, कोई जरूरत नहीं थी, बहुत अच्छे डामरीकरण थे, बहुत अच्छे रोड थे, बट सीमेंट के रोड होने के बाद में इंग्रज के कार्ड में अपने नागपुर में रोड बना है, वो रोड आज भी जैसा का तैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज का रोड जो बना है उसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं और इस रोड के वजह से जो दैनंदिन जीवन है लोगों का वो खराब हो गया।
इसकी वजह ऐसी है कि बारिश का पानी पूरे लोगों के घर के अंदर जा रहा है, आज लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों का घर की जो नुकसान हो रही है उसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है, मैं ऐसा कहूँगी। और दूसरी तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप कहते हो यहाँ विकास, विकास क्या होना है, जो यहाँ पे मुख्यमंत्री है हमारे नागपुर के, हमें गर्व है कि वो हमारे मुख्यमंत्री है और नागपुर के है, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हमारे नागपुर के है, हमारे एरिया के है, बट जो डिपार्टमेंट उनके पास में है, आज क्या महिला सुरक्षित है, आज क्या कायदा उस तरह से काम कर रहा है, या पुलिस स्टेशन का जिस तरह से मैं ये कहूंगी अगर कोई महिला वहां पे दरखास्त लेकर जाती है तो क्या उसको उस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता, या फिर कोई महिला अपनी समस्या या बलात्कार की कोई चीज विषय लेकर जाती है तो उसको बार 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 पूछ कर वहाँ हरासमेंट किया जाता है। बहुत से लोग तो मैडम आपको बुरा लगेगा, मैं भी महिला हूँ आप भी महिला हो, तो बहुत सी महिला तो ऐसा होते हैं कि बार 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 अगर उसको पूछा जाए, उसको मानसिक हरासमेंट किया जाए तो वो अपनी रिपोर्ट वापस लेती है और घर में चुपचाप बैठती है। ऐसे कितने लोग आपको मैं दिखा सकती हूँ कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट पीछे लेकर घर में चुपचाप बैठी है, यानी यहाँ पे सुव्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई नियोजन नहीं है। आज के तारीख में बारिश का मौसम चालू हुआ, यहाँ आप देख रहे हो महानगर पालिका में इस सरकार की सत्ता कई सालों से है, आज बारिश का पानी आ रहा है, पिछले साल में आपने देखे होंगे लोगों के घर की नुकसान क्या हो गई, 90% लोगों के यहाँ पानी घुसा था, बट आज भी यहाँ के महापौर हो गए या सत्ताधारी हो गए, आज भी बारिश के मौसम में कोई नियोजन नहीं है, और फिर से 5 मिनट का अगर बारिश यहाँ होती है तो लोगों के घर में पानी घुसा जाता है, ये नियोजन इस सरकार का है, ये फॉल है, नियोजन कुछ नहीं है, नियोजन सुनने ऐसे सरकार की नीति है। हम आपसे 14 सवाल पूछना चाहते हैं, जनता को आखिर क्यों आपके पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में जीता कर लाना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? जिस पार्टी से मैं काम करती हूँ स्वा पार्टी का पहले से सिद्धांत रह चुका है, चाहे फिर हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार हो, चाहे सुप्रिया ताई हो, चाहे अजीत दादा हो, या आरआर पाटिल हो, आपने देखे होंगे आरआर पाटिल के पाटिल साहब के कार्यकाल में जो यहाँ की सिस्टम थी पुलिस स्टेशन की, स्वागत कक्ष को यहाँ पे महिला आए उसके साथ में लेडीज कैसे ट्रीटमेंट करे, और हर एक विषय में एक न्याय देने का काम वहाँ पे किया गया, और जो क्या बोलते हैं बार शो जो बोलते हैं वो शो उन्होंने बंद करवा दिया, और दूसरी बात जो बियर बार का टाइमिंग था वो टाइमिंग उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था, एक धाक था। इस मुद्दे पे मैं ये कहूँगी कि जब हम लोगों के पास में जाते हैं तो लोगों को यकीन भी होता है कि माननीय शरद चंद्र पवार जी का जो डिसीजन होता है वो सच बोलने का होता है, वो कभी ही कोई झूठे वादे करना वो उनकी आदत नहीं है, चाहे फिर वो किसी के भी प्रति हो, चाहे वो शेतकरी हो, चाहे वो गैर गरीब हो, झोपड़पट्टी हो, या हर मुद्दे में जो जो कहा गया है वो हमारे नेता ने करके दिखाया है। इस मुद्दे पे हम लोगों के पास में जाएंगे, और मैं तो ये चाहूंगी कि अगर मैं किसी के पास में जाती हूँ कि मुझे मतदान दो तो क्यों मतदान दो, ये बताने के लिए मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि यहाँ महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो मेरे जो बेटे हैं नौजवान उनको रोजगार मिलना चाहिए, आज रोजगार मिला, एक लड़के को अगर अपन रोजगार देते तो पूरा परिवार सक्षम होता है, ये मुद्दा मैं लोगों के पास में जाऊंगी। और जो अब आने वाली पीढ़ी है, भारत का इतिहास जो बदलने वाली पीढ़ी है, उस इतिहास बदलने वाली पीढ़ी को एक अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा वस्त्र मिले, अच्छा रहने की सोय हो, ये सब नियोजन लेकर मैं लोगों के पास में जाऊंगी, और यही नियोजन मेरे पार्टी का है, इसलिए मैं पार्टी के मुद्दे लेकर जाऊंगी और मेरी पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे चुन कर आएंगी, ये मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। दर्शकों, यह है अलका कामले जी, ऐसे ही आपको रूबरू कराएंगे हमारे इस प्रोग्राम में नेताओं से, धन्यवाद।